नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ युक्ता शर्मा। दर्शकों, आज हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के गुरु डॉक्टर श्रद्धा सोनी जी। श्रद्धा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज का हमारा विषय है ज्योतिष। ज्योतिष के जरिए हम कैसे अपनी रोज़मर्रा की जो परेशानियाँ हैं उनको कैसे दूर करें, कैसे अपने जीवन को सफल बनाएँ और किस तरीके से अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। आइए हम श्रद्धा जी से जानते हैं ज्योतिष से जुड़ी कुछ बातें जिससे कि आने वाली बाधाओं को दूर किया जाए। श्रद्धा जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी ज्योतिष से जुड़ी हुई जो मतलब आने वाले लोगों को परेशानियाँ होती हैं, कैसे दूर करी जाएँ ज्योतिष के जरिए। ज्योतिष में बहुत सारी परेशानियाँ लेकर के लोग आते हैं, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, हर तरीके के कष्ट उनके होते हैं। कभी शादी में रुकावट होना, कभी बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कभी विवाह होने के बाद भी कुछ तकरार पति पत्नी में बने रहते हैं, संबंध मधुर नहीं होते हैं, बीमारियाँ, अकस्मात घटनाएं हो जाती हैं लोगों को। इन सब तरीके की परेशानियां हम ज्योतिष के द्वारा ठीक कर सकते हैं, कभी रत्नों के द्वारा, कभी कलर्स थेरेपी के द्वारा, कभी कुछ दान करने के द्वारा, हम हर तरीके से परेशानियां लोगों की। ज्योतिष की बात करी जाए तो दान का बहुत बड़ा महत्व माना गया है ज्योतिष में, तो उनमें मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसा कि मानसिक परेशानियां जो होती हैं आजकल लोगों को, नव विवाहित जोड़े जो होते हैं, सबसे पहले उनमें मानसिक परेशानी देखी जाती है कि लोगों की बन नहीं पाती है, जैसा भी जिस तरीके की लड़ाइयाँ काफी होती हैं, तो उसमें आप क्या बोलना चाहेंगी। जैसे नवविवाहित जोड़ों की बात करें तो उनकी अगर जो उनके बीच में तकरार जो हो रही है, उनको जो मानसिक परेशानियां होती है, कभी लव मैरिजेस होती है, कभी अरेंज मैरिजेस हो रही थी, उसके बाद भी उनकी नहीं बनती, तो एक मानसिक तनाव की स्थितियां पैदा करता है। तो उसके लिए पति पत्नी हर पूर्णिमा के दिन दूध का दान करें तो उससे काफ़ी उनको मानसिक संतुलन बनाने में आसानी रहेगी। उसके अलावा जो विवाहित स्त्री है वो हर शुक्रवार के दिन 16 सुहागनों को 16 चीज़ों का दान करें, उससे उनकी एक मानसिक संतुलन काफ़ी बना रहेगा, उन दोनों में प्रेम बढ़ेगा, जिनसे उनकी मानसिक स्थितियाँ ठीक होगी। दो आर्थिक और शारीरिक चीज़ें भी जो आपने बताई, उनके लिए क्या कुछ उपाय हैं जिससे अपने लोग जीवन को सफल बना सके। आर्थिक परेशानियां बहुत सारी आ रही है, जिस तरीके का बिजनेस नहीं चलता है या बिजनेस चलने के बाद भी उसमें पैसा रुक जाता है, या आपका पैसा किसी से कर्जा बढ़ जाता है, या हमारा पैसा आने के बाद भी हमारा पैसा पानी की तरह बह जाता है, तो उसके लिए आप हर अमावस्या को व्रत रखें और हर बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएं, जिससे कि आपकी धन वृद्धि होगी और आपका रुका हुआ पैसा जल्दी आएगा। जी, मैं बात करूंगी सकारात्मकता की, क्योंकि हर काम को करने से पहले एक माइंड जो है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे अपने माइंड को पॉजिटिव किया जाए किसी भी काम को शुरू करने से पहले। हाँ, आपका माइंड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज आप काम करने में जो सबसे पहले नेगेटिव थिंग्स आती है आपके माइंड पे इफेक्ट करती है, और आपका मानसिक संतुलन अगर खराब हुआ तो कामों में रुकावट आती। तो उसके लिए आप हर पूर्णिमा पे सत्यनारायण के व्रत की कथा जरूर करें, इनसे आपका एक मानसिक स्थिरता बनी रहेगी, जो कि विष्णु भगवान सब चीज़ों के कारक देवता माने गए हैं, तो वो आपको काफ़ी स्थिरता देंगे। आसपास के अपने वातावरण को किस तरीके से पॉजिटिव किया जाए, जो हमारे नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो किस तरीके से मिटाई जाए हमारे आसपास के वातावरण में। आसपास के वातावरण में बहुत नेगेटिविटी रहती है, तो आप मछलियों को दाना दीजिए, जिससे कि आपकी एक अंदर से एक ऊर्जा बनी रहेगी और आसपास के वातावरण में आपको खुशहाली दिखेगी। आप हर बुधवार गौशाला में हरा चारा खिलाइए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा संपन्नता रहेगी, खुशहाली बनी रहेगी। मैं इसमें मैम आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, जैसा कि आप भी महिलाएं हैं और आप इतने लोगों को मार्गदर्शन दे रही हैं, आप महिलाओं के लिए कैसा क्या टिप देना चाहेंगी सफलता के लिए कि महिलाएं बुलंदियों को छुएं। महिलाओं को मैं जैसे बोलूँगी, आजकल आधुनिक जमाना आ गया है, तो मैं महिलाओं को ये टिप ज़रूर दूंगी कि वो अपने पैरों में बजने वाली घुंघरू वाली पायल ज़रूर पहने, जिससे कि आपके घर में लक्ष्मी छन छन करके बरसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्रद्धा सोनी जी। तो ये थी हमारे साथ श्रद्धा सोनी जी, जिन्होंने आज बताया ज्योतिष के जरिए कैसे परेशानियों को दूर किया जाए, साथ ही मानसिक, आर्थिक और शारीरिक जो भी परेशानियाँ हैं, या फिर जो नव विवाहित जोड़े हैं उनको अनबन होती है, किस तरीके से उन परेशानियों को दूर किया जाए और अपना जीवन सफल बनाया जाए। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।